मुझसे एक सब्सक्राइबर भाई ने पूछा कि भाई हमारे सर्विस के अंदर FPS नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो ये FPS क्या मतलब होता है, नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है, क्या इससे हमारे अकाउंट में कोई खराबी होती है। तो मैं आपको इस FPS के बारे में आज प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि ये FPS क्या है, क्यों है और आपको इसमें कुछ करने की जरूरत है या नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ तीन कॉम्पोनेंट है, एक है EF की ज्वाइनिंग डेट, दूसरा है EPS की ज्वाइनिंग डेट और तीसरा है FPS की ज्वाइनिंग डेट। तो EPS का मतलब होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, FPS का मतलब होता है फैमिली पेंशन स्कीम। यहाँ आपको जो नॉट अवेलेबल आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो स्कीम थी ये हमारी अब खत्म हो चुकी है। कब खत्म हो चुकी है इसको दिखाने के लिए चलिए मैं आपको यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको FPS में डेट ऑफ ज्वाइनिंग नजर आ रही है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको अपने सर्विस के अंदर नॉट अवेलेबल आ रहा है, लेकिन ये जो सर हैं इन्होंने 37 साल सर्विस की है और इनकी जो सर्विस शुरू हुई है वो 1986 से शुरू हुई है। तो अगर 1986 से शुरू हुई है तो ये स्कीम कब से चल रही थी, ये स्कीम चल रही थी 1975 से 1995 तक चली है। अब मैंने तो कह दिया लेकिन इसमें आपको अगर रिसर्च करनी हो तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो स्कीम है इसका नाम फैमिली पेंशन स्कीम है, 1971 से लेके 1995 तक ये चली थी। तो 1995 तक आपकी सर्विस है तो ही आपको FPS में डेट नज़र आएगी, अगर उसके बाद की आपकी सर्विस है तो वहाँ पे हमेशा नॉट अवेलेबल ही आएगा। और क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका FPS हो, इसलिए वहाँ पे आपको हमेशा ये कॉलम नज़र आएगा जहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग FPS और डेट ऑफ एग्जिट FPS नज़र आएगी। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि ये 15 नवंबर 1995 को ये स्कीम ख़त्म हो गई, तो इस टाइम पे जो भी लोग रजिस्टर्ड थे वो अपने आप ही यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए 15 तारीख तक यहाँ पे और उसके बाद 16 तारीख से यहाँ पे। तो सिंपल सा कुछ करने का नहीं है, अगर आपको नॉट अवेलेबल आ रहा है वो बस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो सर्विस है वो 1995 के बाद हुई है। अगर आपकी सर्विस 1995 से पहले की है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी ज्वाइनिंग डेट जो है वो भी होनी चाहिए और एग्जिट डेट बहुत बार नहीं होती है। मैंने चेक किया हुआ है बहुत लोगों का, तो यहाँ पे देखो 15 नवंबर की एग्जिट डेट होनी चाहिए और उसके बाद ही ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ एग्जिट डेट नहीं होगी तो आपको पेंशन लेने में प्रॉब्लम आएगी, फॉर्म 10D भरने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर FPS में ज्वाइनिंग डेट है तो एग्जिट डेट भी होनी चाहिए और जो EPS की ज्वाइनिंग डेट है वो तो नॉर्मल सी बात हो गई कि मान लो कि कोई आदमी यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, मान लो 2020 में ज्वाइन कर रहा है तो ऑब्वियसली 2020 की ही ज्वाइनिंग डेट होगी और जब तक वो नौकरी कर रहा है तब तक की ज्वाइनिंग डेट होगी। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया समझ आया, 10 में से कितने नंबर देंगे मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैंने अच्छे से आपको प्रैक्टिकली दिखा के आपको बताया है, अगर आपको इतनी चीज़ समझ आई है तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली नॉलेज भरी वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।